हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मूसलाधार बारिश की। मॉनसून चरम पर है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश कहीं राहत साबित हो रही है तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो बेहद भयावह है। मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब है, जयपुर एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम प्रदेश भर से आई दिखाएंगे। राजधानी जयपुर का हाल बताने के लिए विष्णु शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। एयरपोर्ट पर तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए किस तरह से पानी भर गया है। इसके साथ साथ सीकर रोड पर भी बताया जा रहा है कि एक मकान के बेसमेंट में पानी भर गया है, जहां पर 4 लोग डूबे हुए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। बारिश से किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए। राजधानी जयपुर पूरी तरह से पानी पानी हो गई। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। लबालब सड़कें पानी में भरी हुई हैं और ये हाल कल रात से बने हुए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़ रहे हैं वहां का हाल बताने के लिए। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हीरालाल सैन शाहपुरा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजमेर का रुख करते हैं। अशोक भाटी, हमें पहले यही बताइए कि आखिरकार अभी कैसे हालात है, चूंकि आप हमें रेनकोट में नजर आ रहे हैं, यानी कि बारिश हो रही है वहां पर अभी भी। हम आपको बारिश के ही यहाँ पर नज़ारे दिखाना चाहेंगे। ये मामूली गली थी जिसमें लगातार बारिश के बाद अब थोड़ी सी राहत मिली है और क्षेत्र में जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अजमेर की बात करें तो कचहरी रोड हो या फिर नगरा क्षेत्र हो या फिर कोई निचले इलाके हो, सभी क्षेत्रों में जो है इस बारिश के कारण पानी भर गया है। हालांकि सुकून की बात यह है कि लंबे समय से गर्मी और उमस बनी हुई थी और उसके कारण जो है लोग परेशान हो रहे थे, उससे काफी राहत मिली है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की स्थिति जो है बरसात से गर्मी से बहुत राहत मिली हमें, और ऊपर वाले की वजह से हमको पानी पीने का भी मिला और नहाने धोने का भी मिला, क्योंकि 5-5, 6-6 दिन से हमारे गलियों में पानी आ रहा है, जबकि विसलपुर का पानी हमारे लिए मिला। जो बारिश आई है उस बारिश से किस तरह की परेशानी आ जाती है? परेशानी तो अजमेर में जगह जगह खड्डे हैं, रोड है, खुदाई है, एक ही जगह ऐसी जगह नहीं है जहाँ अजमेर की रोड साफ हो, कहीं सुथरी हो, कहीं पे नहीं हो। सब जगह आम आदमी, आम जन को परेशानी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सब जगह प्रशासन कोई काम करता नहीं है। प्रशासन की यहाँ पर जो है लगातार पैकेट में अभी दिख रहे हैं, दुकान पर आप चुकी मौजूद है। कई बार जब पानी इतना ज्यादा भर जाता है सप्लाई चेन पर भी मुश्किलें होती हैं, तो क्या यहाँ पर सही टाइम पे चीजें पहुंच पा रही, जरा बात करके जानिए। जी बिल्कुल, फिलहाल जो है बारिश लंबे समय बाद हुई थी, ऐसे में राहत सबको मिली है। 1 घंटे से बारिश हो रही है लेकिन निचले इलाकों में यहाँ पर पानी भरने की समस्या आ रही है। अभी हम लोहा खान क्षेत्र में हैं जहाँ पर बारिश हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई कि घरों में पानी भर जाए या समस्या हो। अच्छा। लेकिन यहाँ अजमेर के निचले इलाकों की बात करें, नगरा हो या फिर अलवर गेट क्षेत्र हो या फिर जो बाजारी क्षेत्र हो जैसे कचहरी रोड हो, इन क्षेत्रों में जो है पानी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि बारिश के बाद जो है नाले और नालियां जो है वो उफान पे आती है और इसके कारण काफी समस्याएं यहाँ पर बनी रहती है। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, किस तरह की समस्याएं जो है बनती है जब बारिश तेज आती है? बारिश में खड्डे बहुत हो रहे हैं यहाँ पे रोडों पे, बारिश से पानी भर जाता है, दिखते नहीं है। प्रशासन को यही निवेदन है कि हादसे का डर सताता रहता है, ऐसे में प्रशासन से सवाल करते हुए, शिकायत करते हुए वहाँ के लोग, आप अजमेर से सुन रहे थे, 1 घंटे से बारिश हो रही है अजमेर में, कल रात से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन भरतपुर में हालात बेहद खराब है।
दीपक, आपकी जो रिपोर्ट थी वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरीके से आपने दिखाया मकान जो था वो पूरी तरह से डूबा हुआ था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या खाएं, क्या बनाएं, कहां सोएं। एक बुजुर्ग महिला थी वो तो इस बात से परेशान थी कि कल रात से कुछ खाया ही नहीं है। बताइए अभी फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं। पानी में खड़ा हुआ हूँ, ये सड़क या तालाब नहीं है, तो घर है और घर के अंदर नजारा है, पानी का भरता है कि लोग परेशान होते हैं। घर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे, तो ये सोच करके दर्शक हैरान होंगे कि आखिर घर में इतना पानी घुसा हुआ है तो सड़कों के क्या हालात होंगे। और हालात ऐसे हैं यहाँ पर कि ये देखिए घर है और घर में पानी भरा हुआ है, कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दो दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, खाना पीना नहीं बना पा रहे हैं, बुजुर्ग महिला है वो परेशान हो रहे हैं। कैसे हालात है यहाँ पर? बहुत बुरी हालात है, भूखे सोए शाम ड्यूटी ना, चाय पानी मिला चले गए, बच्चा छोटा सा दूध गर्म कर, कोई व्यवस्था नहीं, कहा जाए ऊपर नहीं। अब कोई सुनवाई ना आ रही, बोतल मारे मांगी या भीख सी मांगेंगे बोतल ही, और अब कोई सुनवाई ना आ रही, क्या कंडीशन है ये। तो बिल्कुल देखिए तस्वीर आपको दिखाऊंगा, रसोई घर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, जो बेडरूम है उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। दीपक, ये इलाका कौन सा जरा ये भी बता दीजिए, हालात यहाँ पर नजर आ रहे। देखिए ये भरतपुर का गणेश नगर का इलाका है और ये तस्वीर देखिए, ये अंदर घर का नजारा है जहाँ पर पूरी तरह पानी पानी है और ये जो इनका जरूरी सामान है वो उन्होंने ईंट लगा करके ऊपर रखा हुआ है जिससे कि भीग नहीं जाए, लेकिन फिर भी जो सामान है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, रसोई में पानी भर चुका है, ऐसे में खाना नहीं बना पा रहे हैं और कल से ही ये हालात है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये रसोई है, रसोई में कुछ बना नहीं पा रहे हैं और इसीलिए ये हालात है कि रसोई में अंदर जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहां तक पानी भर चुका है और ऐसे में इनका जो राशन का सामान था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है और जो सामान इनके अंदर घर में रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। बच्चे छोटे छोटे हैं वो परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर की तस्वीरें जो है वो ये दिखा रही है कि किस तरह से प्रशासन की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नजर आ रही है, नगर निगम की टीम किस तरह से लापरवाही यहाँ पर करती है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए जो राशन का सामान है गेहूं वगैरह वो इन्होंने ऊपर रखे जिससे कि खराब नहीं हो। कैमरामैन से कहूंगा कि इधर आकर के तस्वीर दिखाए और ये हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो गेहूं है खाने का जो सामान है वो ऊपर रखा हुआ है और ये क्या भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से घर के अंदर तैरता हुआ सांप तक पहुंच गया। आप दीपक अपना भी बेहद ख्याल रखें क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग कैसे परेशान हैं यह हालात दीपक खुद वहां पर लोगों से बात करके बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस घर के अंदर अगर सांप घुस जाए तो जाहिर तौर पर जान का खतरा भी बना हुआ है। दीपक देखिए बिल्कुल बिल्कुल, कल भी इन्होंने एक सांप को यहाँ से मारा था और अभी भी जब हम तस्वीर दिखा रहे थे, अब सावधानी बरतनी पड़ेगी बेहद क्योंकि अंदर जो है हमने खुद तस्वीरों में देखा कि किस तरह से एक छोटा सा सांप अंदर से भागता हुआ और उधर रास्ते से गया है, लेकिन हालात देखिए ये बाबूजी यहाँ पर खड़े हुए हैं पानी में खड़े हुए हैं, कैसे हालात है यहाँ पर, कब से ये हालात कल से है। मोबाइल पे भी 6 बजे डाल दिया पर अभी तक किसी ने अधिकारी या प्रशासन ने कोई भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं किए, ना पूछा है कि भाई क्या पोजिशन है क्या नहीं। अब जे ये ना आए उनको कहा देखो, देखे नहीं आए सड़क से ही वापस चले गए। अभी हम जब अंदर से दिखा रहे थे तो एक सांप वहां से बचा, आप ये भाई साहब और एक अंदर घुसे सांप का वो बच्चा वो भक्के आया और कल भी शाम के टाइम सांप मारा था यार। देखिए हालात ऐसे हैं कि खुद हमने अपनी जो जान है वो भाग करके बचाई, ऐसे पानी में छोटे छोटे कीड़े हैं, सांप हैं, मेंढक हैं, वो यहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं और ये हालात इस घर के हैं और ऐसे कई घर हैं। आपको एक तस्वीर अंदर की दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी छतों से यहाँ पर जी। भरतपुर से दीपक की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लाइव ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए किस तरह से घर के अंदर ही पानी भरा हुआ है।
हीरा लाल भी हमारे साथ जुड़ गए, शाहपुरा का रुख करते हैं। हीरा लाल, भरतपुर की तस्वीरें तो जाहिर तौर पर भयावह करने वाली थी, शाहपुरा में किस तरीके हालात बने हुए हैं बारिश के बाद? जी बिल्कुल, मैं इस समय शाहपुरा के देवन रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये देवन रोड है जहाँ आज सुबह बारिश के बाद जो पानी भरा है उसको देखकर लगता है कि ये सड़क नहीं तलैया का रूप ले चुकी है। ये कमोबेश स्थिति आज की नहीं, जब भी बारिश होती है कमोबेश यही स्थिति रहती है। यहाँ पूरा ये सड़क है जो पानी से लबालब हो जाता है और तालाब का रूप ले लेता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनकी खामियां नजर आती है, क्योंकि जो नालियां हैं, जो ड्रेन है, उनकी नियमित सफाई नहीं होती है। उसकी वजह से जब भी बारिश होती है, बारिश का जो एकत्रित पानी है वो सारा का सारा नालियों से निकल के सड़क पर एकत्रित हो जाता है और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि यहाँ से निकलने वाले जो राहगीर होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उनको इस बारिश के पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि वो भीगते हुए स्कूल पहुंचते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ जनता मौजूद है जो स्थानीय निवासी है, उनसे हम जाने किस प्रकार की समस्या से उनको दो चार होना पड़ता है जब बारिश होती है। आखिर प्रशासन उचित कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज रात की भारी बरसात के कारण देवन रोड पर नालियों के ओवरफ्लो होने से देवन रोड पर पानी भर गया, लेकिन शाहपुरा विधानसभा के संवेदनशील नेता यहाँ मौके पर आ गए हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, निश्चित रूप से एक आधे घंटे में पानी को उठाकर और जनता को राहत प्रदान करने का कार्य जारी है। आप बताएं, आपकी यहाँ दुकान भी है, जब पानी भरता है आपको किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? बरसात का पानी इतना आ जाता है कि ये ओवरफ्लो के नालियाँ बराबर के जो खेत है ना उनमें निकल जाता है और उनसे भारी नुकसान, फसलों को भी नुकसान होता है और व्यक्ति वहाँ से निकल नहीं पाता, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं सब वहाँ से भी इतना परेशान हो जाते हैं कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती है। मेरे साथ बीजेपी के जो चुनाव लड़के विधानसभा का चुनाव लड़े थे उपेन्द्र यादव, वो भी मौजूद है। ये जनता की समस्या जानने आए, उनसे भी जानेंगे आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये हालात जनता आज से परेशान नहीं हो रही है, इनकी पीड़ा देखकर मैं मौके पे पहुंचा हूं। यहाँ निकासी नहीं है, पानी निकल नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते और आने वाले समय में मनोहरपुर नगर पालिका की जांच हो रही है, शाहपुरा नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जनता को परेशान करने का काम इन भ्रष्टाचारियों ने किया है। आप जहां भी देखो न निकासी है न पानी निकल पाता है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, आम जनता परेशान हो रही है। दिखा रहे हैं हीरा लाल, जरा पूछिए बीजेपी नेता से, 7 महीने से तो आपकी सरकार है, कब तक 5 साल का रोना रोते रहेंगे? मॉनसून एक्टिव होने से पहले आपने क्या तैयारी की? अब तो आपकी सरकार है, पिछले 7 महीने से आप सत्ता में हैं, क्या आप उपाय कर रहे हैं जनता को राहत दिलाने के लिए? क्योंकि पिछले 5 साल में जो हुआ वो हुआ, आप उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, लेकिन आपने 7 महीने में क्या किया? 7 महीने में क्या किया? कर्जे के अलावा कुछ मिला ही नहीं विरासत में, उनके सारे तथ्य जुटाए गए, एसीबी आएगी, जांच हुई है कमेटी में, जो जांच इनके खिलाफ जांच करवाई है। सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य था जब चुनाव लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, जब भ्रष्टाचारियों को रोका जाएगा तभी तो विकास हो पाएगा, जितना बजट आए वो खा गए। अब नगर परिषद में नगर पालिका को कर्मोन्नत करवाया है, सालों सालों से चल रहा है वही कुछ आज हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो स्कूली बस है वो फंस गई है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, धस गई है, खुदा ना खासा बड़ा हादसा हो सकता था। माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की ये देखिए बस है जो पूरी तरह से किस तरीके से बीच गड्ढे में घुस गई। एक कॉलर हमारे साथ नागौर से जुड़ गए हैं, स्वागत आपका, नाम क्या है और आपके यहाँ के हालात कैसे है जरा बताइए। मैम राधेश्याम बोल रहा हूँ, मैं नागौर प्रवर्तन से। जी राधेश्याम जी, नगर निगम की वैकेंसी का क्या होगा, जो अभी जो लिस्ट बनी है तो लगी हुई है जी, क्या आपके अभी सड़कों पर पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है, कीचड़ हो रखा है, परेशानी परेशानी हो रही है जी। और नगर निगम के अधिकारी सुनते नहीं है, आपने क्या शिकायत की है? ये नगर निगम का वैकेंसी का क्या होगा, हम तो ये अर्ज करते हैं जी। शुक्रिया राधेश्याम जी हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप लोग भी अपने यहाँ की समस्या बताना चाहते हैं तो सीधे आसान सा तरीका है, आपको टॉप पर एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर को मिलाइए और हम तक अपनी समस्या बताइए, आप की जो समस्या है शिकायतें वो प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे। और हमारे साथ अशोक भी जुड़े हुए हैं जो कि अजमेर का हाल हमें बता रहे हैं। अशोक, जाहिर तौर पर बारिश जब आती है तो
ये रहता है कि चलिए मौसम अच्छा हो जाएगा, जो भीषण गर्मी थी उससे राहत मिलेगी, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से यही बारिश आफत बन जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार बारिश आ रही हो या फिर पहली बार ऐसा हुआ हो। हर वर्ष जब बारिश आती है, बारिश से पहले नालों की सफाई करने के टेंडर दिए जाते हैं, नालों की सफाई के लिए कई अपीलें भी की जाती हैं, और इसके साथ साथ जो सफाई है व्यवस्था उसको दुरुस्त करने की लाख दावे किए जाते हैं, इसके बावजूद भी जो कार्रवाई है वो नहीं होती। अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम आज से नहीं खराब है, पिछले लंबे समय से ड्रेनेज सिस्टम जो है हालात वैसे के वैसे ही हैं। बस स्टैंड के बाहर देखिए, चाहे कचेरी रोड के बाहर देखिए, चाहे जो यहाँ से आना सागर का जो पानी जाता है वो पूरा जो स्केप चैनल है उसको कई बार जो है स्मार्ट सिटी के तहत सही कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात कॉलर जुड़ गए हैं जयपुर से। स्वागत आपका, अपने नाम बताइए, और जयपुर की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, स्कूलों की तक छुट्टी कर दी गई, आपके नजरिए से कैसे हालात बने हुए और इसके लिए कौन जिम्मेदार? अंकित बोल रहा हूँ मैम जी। मुझे जिम्मेदारी तो देखो ये अफसरशाही और ये दोनों मेयर की बनती है, और इस वक्त और सरकार इस वक्त बीजेपी की है तो सारी जिम्मेदारियां उन्हीं की बनती है। हर बार जनता क्यों परेशान होती है कि थोड़ा पानी भरते ही, थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा जयपुर जलमग्न हो जाता है। जैसे तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी जब तक हम लोग मुसीबतों से त्रस्त रहेंगे मैम। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कैसे सबक सिखाया जाए अफसरों को? हम अपने एसी ऑफिस से बाहर निकल के इस मुसीबत को देखना चाहिए, सारे अभी सारे के सारे नगर के या फिर सारी की सारी जनता को नगर निगम पहुंच जाना चाहिए इसको लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए कई बार आप हड़ताल जैसी स्थिति भी देखते होंगे, कई बार जो लोग हैं सड़कों पर भी उतर आते हैं अपनी मांगों को लेकर, और हालात चूंकि इस तरीके के हो जाते हैं लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। जयपुर राजधानी है जहां पर एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है, वीवीआईपी इलाके हो चाहे मेन रोड हो चाहे गली मोहल्ले हो, निचले इलाके का तो और भी हाल बुरा है। कई गांव हैं जो कि जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अशोक भी हमारे साथ जुड़े अजमेर से जो हालात हमें बता रहे थे, दीपक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए भरतपुर से। दीपक, जिस घर के आप हालात दिखा रहे हैं वो गणेश नगर इलाका है, वो पूरी क्या कॉलोनी के वही हालात है, मकान पानी में डूबे हुए हैं? और अगर ये सब स्थिति है कल रात से तो अब तक प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों वहां नहीं पहुंचा अब तक? देखिए प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अभी तक सोया हुआ है, और ये गणेश नगर पूरी कॉलोनी के ऐसे हालात हैं। मैं जोखिम जान जो है वो जोखिम में डाल करके कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं किस तरह से हालात है पूरी कॉलोनी के। लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, छतों से जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन आएगा और इस पानी निकासी की व्यवस्था करेगा। यानी कि ये देखिए ये मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार के सामने जो भी तमाम घर है पूरी कॉलोनी के, मैं सड़क भी दिखाऊंगा कि सड़क से किस तरह से यहाँ पर जो तमाम घर है उनमें पानी भरा हुआ है। और हालात ऐसे है कि करीबन 50 घर इस कॉलोनी के ऐसे हैं जो पूरी तरह अब ही जलमग्न है, महिलाएं नहीं निकल पा रही हैं, एक घर से दूसरे घर की तरफ झांक रही हैं, ऐसे हालात है। देखिए ये जो सड़क है इस सड़क पर करीबन कई फीट पानी भरा हुआ है, और कॉलोनी के ये हाल है। भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक दिखा रहे, कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, अपना नाम बताइए और जयपुर के हाल आपको कैसे नजर आ रहे हैं? मैं वसीम बोल रहा हूँ जयपुर शहर से, जयपुर में मैं आदर्श नगर से बोल रहा हूँ जी। वसीम, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस चैनल के जरिए से हो सकता है प्रशासन जाग जाए। बताना चाहूंगा जयपुर शहर में कल रात 2 बजे से बारिश का जोर जारी है, और अभी तक बारिश का जोर जारी है। यहाँ पे 2.5 महीने पहले प्रशासन की पोल बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ 2.5 महीने पहले बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे नालियों में नाले डाले गए थे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है इनका। और साथ में SMS हमारे यहाँ पर राजस्थान का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जयपुर शहर में SMS अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल में भी पानी घुस चुका है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बिल्कुल बेसमेंट में पानी भर गया है, ये भी हमें जानकारी मिली है। तो यहाँ आदित्य, आपके इलाके में भी क्या पानी भरा हुआ है इस वक्त, और क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपको अधिकारी कर्मचारी दिख रहा है पानी की निकासी करने के लिए? वसीम, ऐसा तो कोई प्रशासन जागता ही नहीं है जी, प्रशासन कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पे, प्रशासन तो बस सोया पड़ा रहता है, देखता नहीं है कुछ क्या हाल हो रहा है। जब कोई गंभीर समस्या जब पैदा हो जाती है जयपुर में, फला जगह पे कोई मरने वाला स्थिति में आ गया, वो जब कोई मरने वाला स्थिति में मर जाता है उसके बाद प्रशासन जाता है उसके बाद पूछने।
और यहाँ पे हमारे जी वसीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे। तो देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आए जरा जमीन पर, पानी की निकासी की जाए, क्योंकि अब तो सुबह हो चुकी है, दिन चढ़ चुका है, लोग परेशान हैं घर से बाहर निकलने के लिए। जाए तो कैसे कैसे जाए, क्योंकि सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ये हाल जयपुर का है, राजधानी का है, जहां पर बड़े बड़े हुक्मरान बैठते हैं। हीरालाल सैन भी हमारे संवाददाता शाहपुर से जुड़े हुए हैं। हीरालाल, तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, एक बीजेपी के नेता भी सुन रहे थे उनको, एक गेंद कैसे पाले में डाला जाए उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी यहां पर तय नहीं करनी है। वहां पर लोग किस तरीके की समस्या से दो चार हो रहे हैं इस वक्त बारिश में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी बारिश होती है तो प्रशासन की ओर से फौरी तौर पे केवल औपचारिकताएं निभाई जाती है, क्योंकि आग लगे कुआं खोदने वाली स्थिति जो होती है वो चरितार्थ की जाती है, इसका स्थायी समाधान नहीं किया जाता। माफी के साथ रुकना पड़ेगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं जयपुर से, और जाहिर तौर पर जयपुर के हालात बेहद बेहद खराब हो चुके हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कॉल वहां से आ रही है। स्वागत आपका, अपना नाम बताइए, किस तरीके के हालात से आपको भी दो चार होना पड़ रहा है, बताए जरा। जी मैम, बजरंग यादव बोल रहा हूँ मैं। जी रिकॉर्डिंग करो कैमरा से। हेलो जी यादव जी, अपनी समस्या रखिए, क्या शिकायत है आपकी? जी मैं वाटिका रोड से बोल रहा हूँ, गुलमोहर गार्डन से। आज सुबह सुबह हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए, पूरा एकदम पूरा पूरा वाटिका रोड पानी भरा है, आधी आधी बस डूबी हुई है। बस डूबी हुई है, क्या कोई भी प्रशासन की तरफ से वहां पर निरीक्षण करने के लिए अब तक नहीं पहुंचा है? नहीं नहीं मैम, नहीं पहुंचा कोई भी। बेहतर होगा यादव जी आप लोग भी कॉल मिलाए, और हम तो लगातार सुबह से ही ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जयपुर की, चाहे वो वीआईपी इलाका हो, चाहे जो आप बता रहे हैं आप वहां पर रहते हैं। प्रशासन कोई भी कोई हेल्प नहीं है मैम, वाले सब घर बैठे हैं जी, पूरा जाम है, बाइक वाले तो जा ही नहीं पा रहे ऑफिस, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। नहीं मैम, स्कूलों की तो चलिए यादव जी छुट्टी कर दी गई है, बेहतर होगा आप बच्चों को स्कूल ना ही भेजे, इस तरीके के हालात हैं। देखिए जरा एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहा है। नहीं बच्चों के लिए दूध ला पा रहे ना कुछ सब्जी वगैरह। चलिए उम्मीद करते हैं यादव जी आप तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचे, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि जाहिर तौर पर हालात आज ऐसे ही बने रहेंगे जयपुर में, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है, आज भी बारिश होने की संभावना है, और प्रशासन की तरफ से कोई शुरुआत पानी की निकासी के लिए अब तक हुई ही नहीं है। अशोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अजमेर से। अशोक, जयपुर के हालात तो आप सुन ही रहे होंगे, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बता रहे हैं आंखों देखी हाल। यहां पर किस तरीके के अजमेर में अभी हालात हैं? जी बिल्कुल, अजमेर में हालात जो है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अजमेर का जो निचला इलाका है, चाहे नगरा इलाका हो, अलवर गेट इलाका हो, यहाँ पर जो आना सागर का पानी है वो जब छोड़ा जाता है तो स्थिति बेहद खराब होती है। हालांकि बारिश जो है पिछले एक घंटे से हो रही है, और बारिश की जो है अजमेर को बहुत जरूरत थी, लंबे समय से परेशानी बनी थी, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत जो मिली है, लेकिन ये जो है राहत कई बार समस्या के रूप में भी बन जाती है, और निचले इलाकों में पानी की समस्या जो है वो बनी रहती है। यहाँ का जो सागर विहार कॉलोनी है उसमें लगातार जो है पानी की भर जाता है, और कॉलोनी में लगातार पानी भरने से लोगों की समस्याएं लगातार विकराल रूप लेती है। फिलहाल जो है ठीक है अशोक, आप देखिए रुकना पड़ेगा, आपके पास वापस आएंगे। दीपक पुरी भी भरतपुर के हालात बता रहे हैं, हीरालाल सैनी भी हमारे साथ कुछ लोगों के साथ शाहपुर से बातचीत के जरिए वहां के आंखों देख का हाल बता रहे हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां की तमाम चीजें जो उनके सामने समस्या आ रही है वो बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए जो आपकी आवाज है वो प्रशासन तक हम पहुंचाएं, आपकी समस्या को के समाधान तक लेकर जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।